क्या माहौल है, चुनावी रंग में सब रंगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? चुनावी रंग में सब माहौल, ये काशी का माहौल है। और ये आज होली के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, सोच समझ कर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना पसंद करता हूँ अबीर वाली होली खेलने के। और अबीर वाली होली खेलना, इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो अपना वोट सही। हमारी पहली होली है इसलिए हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जब भी हम अपने यहाँ लखनऊ के हमें एडिशन में रह चुका हूँ, मैं यही कहूँगा लोकसभा चुनाव का ध्यान रखें और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को फिर से एक बार। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नमस्कार, मेगा फैक्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं होली 80 घाट से, सीधे तौर पे आपसे जुड़ा है। ये वीडियो लाइव आने की लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन लाइव नहीं आ पा रहे थे दोस्तों। कपड़े पूरे फट चुके हैं और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं, आप देख रहे हैं, कलीग हैं, और सभी को मुखातिब कराऊंगा इस वीडियो में। और माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सब लोग होली मना रहे हैं। और यहाँ पे चुनावी रंगों में सब रंगे हुए हैं दोस्तों, सभी चुनावी रंगों में रंगे हुए हैं। और एक एक करके सबसे बात करूंगा, एक एक करके सबसे मुखातिब हूँ मैं। और बात करेंगे सबसे पहले प्रभात मिश्रा से। प्रभात कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, चुनावी रंग में सब रंगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? चुनावी रंग में सब रंगे हुए हैं, ये काशी का माहौल है और ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, चुनाव आने वाला है। लेकिन मैं देशवासियों से एक प्रार्थना करता हूँ कि जो देशभक्त है उसको वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उसको प्रधानमंत्री बनाए। ये देखिए, मैं भी चौकीदार का नारा यहाँ पे लगाया जा रहा है और पूरा बनारस काशी, पूरा काशी एकदम रंगों से रंगा हुआ है इस समय, पूरा काशी रंग। ये देखिए। और अभी हम हमारे साथ अभिनव त्रिपाठी, उनसे बात करेंगे क्या माहौल है, चुनावी रंगों में सब लोग रंगा हुआ है, आपका क्या ख्याल? देखिए, सबसे पहले मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस समय होली अपने चरम पर है और होली के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, सोच समझ कर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करें। हर एक व्यक्ति जो 18 या 18 साल से ऊपर का है वो प्लीज़ 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 चुनाव केंद्र पर जाकर अपना बहुमूल्य वोट करें। और एक अच्छी सरकार फिर से आनी चाहिए, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। धन्यवाद। एक और बात करना चाहिए, कोई अबीर गुलाल से होली खेलता है, कोई गोबर वाली होली खेलता है, जैसे मणिकर्णिका पे राख वाली होली होती है, तो आप कौन सी होली खेलना पसंद करते हैं, हालांकि आप अबीर वाली होली लग रहा है? देखिए, मैं पसंद तो यही करता हूँ कि होली बहुत अच्छे से सबके साथ मिलजुल के और सुरक्षित होली मनाई जाए। अबीर के साथ होली खेलनी चाहिए जिससे त्वचा रोग होने की संभावना कम होती है, क्योंकि आजकल जो है अगर आप कोई कलर लगा दे रहे हैं पानी के साथ तो आपके स्किन पे रैशेस या फिर कुछ छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप सूखी, सुरक्षित और एक अच्छी होली खेलें। जी धन्यवाद, ये थे अभिनव त्रिपाठी, इनके विचार हम लोगों ने जाने। शुभम श्रीवास्तव से हम बात करेंगे या विशाल भाई से बात करेंगे। विशाल भाई किस तरह की होली आप खेलना पसंद करते हैं, अबीर वाली, गोबर वाली या गीली होली? मैं तो ज़्यादा पसंद करता हूँ अबीर वाली होली खेलने के। और अबीर वाली होली खेलना इसलिए ज़्यादा अच्छी है, जल्दी छूट जाती है। चलिए ठीक है, अभी राकेश से बात करें, राकेश का भी मिजाज जानते हैं। राकेश भाई, पहले तो हैप्पी होली, और पूरा कपड़ा फाड़ लिए हैं, और किस तरह की होली खेलना पसंद करते हैं? हमारी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली से हमें अपने मतभेद को भुला के एक नया रिलेशन शुरू करना चाहिए, एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत करनी चाहिए, और होली से हमें एक दूसरे के साथ मिलके प्यार से गले मिलकर रंगों भरा त्यौहार को और आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए हमारे सर यश भाई हैं, फटाफट प्रतिक्रिया ले रहे हैं। यश भाई, किस तरह की होली खेलते हो, पूरा फ्लर्ट वर्ट फाड़ के एकदम बॉडी दिखा रहे हैं? यश भाई बॉडी तो नहीं है, शर्मिंदा कर रहे हो यार। होली बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, बहुत सुंदर त्यौहार है। बस ये है कि हाँ, इस त्यौहार को इन लोगों ने रंग के बजाय दारू पी के इस त्यौहार का मेन शोभा ख़राब कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि खाली इस त्यौहार को रंगों तक सीमित रखा जाए। और बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो अपना वोट सही इंसान को दें जिससे कि देश को फ़ायदा हो, बस यही कहना चाहता हूँ।
चलिए ठीक है। और शुभम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ नहीं रहे क्योंकि पूरा कपड़ा इनका फट गया है, कह रहे हैं भाई बाद में ले लेना। हम कहे चलो ठीक है बाद में लेते हैं। प्रभात मिश्रा की तरफ फिर से हम चलते हैं, गौर करते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं, इनके विचारों को व्यक्त करते हैं। लीजिए प्रभात भाई। दोस्ती, होली का त्यौहार जो है बहुत प्राचीन काल में एक हमारे राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप, उनके भाई का वध जो है भगवान विष्णु ने किया था। तो हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु से बहुत नफरत करते थे। किसी तरीके से उन्होंने एक तपस्या की और उनको भगवान ने वर दिया कि आप बहुत शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन उनके परिवार में उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का जितना बड़ा भक्त था, हिरण्यकश्यप वो उतने ही बड़े उनके शत्रु थे। अच्छा। फिर हुआ क्या कि होलिका वाले दिन जो होलिका दहन हम लोग करते हैं, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में प्रवेश कराया, लेकिन होलिका तो का तो वध हो गया लेकिन प्रहलाद बच गए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा बुराई अच्छाई जो है संघर्ष तो करता है लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। और यह त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है, बड़ी सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि महादेव की नगरी में आज हम ये लोग जो होली का त्यौहार मना रहे हैं, ये बहुत ही पावन पर्व है और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि महादेव की नगरी में हमारा जन्म हुआ और आज हम इस प्राचीन पर्व पे हम इसके अंग हैं। तीसरी बात यह है कि होली के पर्व पे मैं सभी देशवासियों से उनके लिए मैं कामना करता हूँ कि जो भी उनकी मन्नतें हैं, जो भी उनकी इच्छाएं, वो ईश्वर पूर्ण करें। भाई मेरे भाई, भाई। और ये देखिए घाटों पे आप, शुभम जी आप नदी की तरफ जरा कैमरा घुमाइए, ये देखिए नदी की तरफ आप देख रहे होंगे नाव है, यहाँ पे लोग रंग खेल के अपना नहान शुरू, वो देखिए वहाँ पे देखिए वो नहा भी रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पे, वो देखिए। और ये पूरा रंगों का पूरा माहौल है पूरा, मुझे लगता है बनारस जैसी होली पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं मनाई जाती होगी। चलिए मनीष से भी बात करते हैं, मनीष भी आए हैं। मनीष क्या क्या माहौल है, चुनावी रंग में सब लोग रंगा हुआ है और यहाँ पे कपड़े भी आपके फटे हुए हैं, पूरे मोदी के रंग में रंग गया है इस समय, सब मोदी के रंग में रंग गया है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, सेफ खेले, अच्छे से खेले, सब घर परिवार से मिल के साथ होली खेले और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। कह रहे हैं घर परिवार के साथ खेले लेकिन यहाँ पे हम लोग के साथ खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे भाई हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। किस हिसाब से आप होली मनाते हैं, गोबर वाली होली पसंद करते हैं, गीली वाली या अबीर वाली? मैं बाकी बात तो ठीक है, हमारा क्या गलती था, हमारा तो बॉडी भी नहीं है, फाड़ दिया आप लोग भैया, ऐसे थोड़ी ना होता भैया, बॉडी वाले का फाड़े तो चलेगा ना, हम क्या दिखाएंगे भैया, देखिए नहीं भाई है बॉडी वाली। बाकी बहुत मजा आ रहा है बनारस में होली का, बहुत बहुत होली मुबारक हो आपको भी। हमारे साथ शेखर भाई बोलेंगे। और शेखर भाई क्या मजा आ रहा है यहाँ पे, अस्सी घाट आज बनारस में आपकी पहली होली है मेरे ख्याल से, और अस्सी घाट पे तो मेरी खुद बनारस में रहता हूँ लेकिन पहली होली है जी, बनारस में हमारी पहली होली है, इसलिए हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जब भी हम अपने यहाँ लखनऊ के हम हैं वहाँ से जब भी हम खेलते थे तो उस हिसाब से हमें होली में नहीं निकलते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे दोस्त लोग सब मिले हमसे तो हमें होली का बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर घाट है, नहाने के लिए भी व्यवस्था पूरी है, आप रंग खेल के सीधा नहाने चले जाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए होली का त्यौहार जो है हम बड़ी धूमधाम से इस बार मना रहे हैं और हमारी यही मनोकामना है कि सब लोग खुशहाल और सुरक्षित होली खेलें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये सारे लोग थे, एक एक करके सबसे बात की, मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं है, लेकिन हाँ मेरा भाई यहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी का शर्ट पहना, बहुत बहुत बार मैं बीजेपी एडिशन में रह चुका हूँ, मैं यही कहूँगा लोकसभा चुनाव का ध्यान रखें और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को फिर से एक बार भारी मतों से विजयी बनाए। हर हर महादेव। तो ये लोग थे, सभी से विचार जाना, कोई शायद बच नहीं रहा है मेरे ख्याल से, सभी लोग बात कर चुके हैं और चलिए क्लोज करते हैं इस वीडियो को, आगे फिर आते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो है क्योंकि माहौल अभी यहाँ पे अभी बदल जाएगा थोड़ा सा, तो जिस हिसाब से दिखाना चाह रहे थे आपको उस हिसाब से दिखा दिया है और ये माहौल है आप देखिए जिस हिसाब से, अस्सी घाट पे अभी हम लोग हैं और आते वक्त बचते बचाते कैसे कैसे अपने कपड़ों को बचाते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं, हालांकि यहाँ पे आने के बाद कपड़े फट ही गए हैं। और ये शुभम थे जो बोल तो नहीं रहे थे लेकिन मैं चाहता था इनका वीडियो हो जाए एक बार मेरे साथ क्योंकि हमारे कलीग हैं और साथ एक एक कड़ी टूटती चली जा रही है, और कुछ बोल दो शुभम, कुछ बोल ही दो। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे सबके साथ, ये एक अलग, ये घाट पे इसका एक अलग ही माहौल रहता है और ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे आके और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे यहाँ पे कपड़ा फाड़ होली होती है जो कि बहुत ही हम लोग यहाँ पे हम लोग अपने तरीके से मनाते हैं जो कि बहुत ही रंगमय होती है।
चलिए, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दे। हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, संडे या मंडे को किसी और दिलचस्प टॉपिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब मेगा फैक्ट, स्टे ट्यून टू मेगा फैक्ट। हैप्पी होली, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।